हेलो फ्रेंड्स, आपका तिवारी टेरेस गार्डन पे हार्दिक स्वागत है। मेरा आज का वीडियो होने जा रहा है गेंदे के फूल के ऊपर। इंग्लिश में इसको मैरीगोल्ड से जाना जाता है और हिंदी में इसको गेंदा कहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर फूल है। देखिए कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। इसको मात्र एक महीने पहले मैंने लगाया हुआ था। इसमें देखिए जितने फूल है उससे ज्यादा इसमें बर्ड्स निकल रहे हैं। ये बहुत सारे किस्म के पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है, बिग मैरीगोल्ड होता है। ये करीब 3-4 कलर्स में आते हैं। ये देखिए, एक तो इस कलर में आता है, पीले कलर में भी आते हैं और रेडिश कलर में भी आते हैं। रेडिश और ऑरेंज दोनों कंबाइंड कलर भी आता है। हर हमारे धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में गेंदे के फूल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई भी फंक्शन हो, कोई भी समारोह हो, उसके अंदर गेंदे का पुष्प का उपयोग किया जाता है। किसी भी पर्व त्योहार के ऊपर भी, जैसे अभी दिवाली दशहरा आने वाला है, उसमें भी गेंदे के फूल का उपयोग किया जाता है। और हर रोज भी हम लोग पूजा में गेंदे के फूल का प्रयोग करते हैं। दो पार्ट में होने जा रहा है ये वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हम इसको कैसे केयर करना है ये बताएंगे और दूसरे पार्ट में कितने औषधीय फायदे हैं, तो आज उसके बारे में भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। दोस्तों, जब आप गेंदे लगाते हैं तो इसके लिए 10 इंच 12 इंच के पॉट में या ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। और इसके लिए आप हल्की दोमट मिट्टी तैयार करिए, उसमें आप कोकोपीट और रिवर सैंड का प्रयोग करिए। पानी इसमें ठहरना नहीं चाहिए और ओवर वाटरिंग नहीं करना, नहीं तो इसके जड़ों में सड़न गलन हो जाएगा। जब ऊपर की 1 से 1.5 इंच मिट्टी सूख जाए तो आप उसमें वाटरिंग करिए। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए आदर्श है। इसको ज्यादा गर्मी भी पसंद नहीं है और ज्यादा सर्दी भी नहीं। गर्मियों में 35 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर चला जाता है तो आप इसको छाया में रख दीजिए, और सर्दी में अगर 10 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है तो भी इसको शेड में रख दीजिए। इसके लिए जल निकासी अच्छी तरह से होना चाहिए, तो पॉट में देखिए प्रॉपर होल होने चाहिए, उसको स्टोन से कवर करके आप पॉट में रखिए। सीड से, कटिंग से आप इसको उगा सकते हैं। आप बीज वसंत ऋतु में डालिए तो बहुत अच्छा है। वैसे तो ये सालों भर इस पौधे को आप लगा सकते हैं और इसमें से फूल ले सकते हैं। इसके लिए मिट्टी का पीएच लेवल 6 से 7 होना चाहिए, तो हल्की अम्लीय मिट्टी चाहिए इसके लिए। और ऊपर की सतह सूख जाए तो इसमें वाटरिंग किया करिए। फर्टिलाइजर आप इसमें जब मिट्टी बनाते हैं तो उस समय अच्छी गोबर की खाद हो या वर्मी कम्पोस्ट हो या लीफ कम्पोस्ट हो उसको डालिए। कुछ बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। इंसेक्ट का अगर इसके ऊपर असर हो रहा है तो आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके मिट्टी में आप नीम खली भी दे सकते हैं, इसको पोषक तत्व भी मिल जाएंगे और इसके जड़ों में फंगस इत्यादि की भी समस्या नहीं रहेगी। बीच बीच में जैसे नीचे के पत्ते सूखते हैं तो इस तरह से आप इसको तोड़ लिया करिए। जब प्लांट बड़ा हो जाए तो आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, तो इसमें से नए ब्रांचेस निकलेंगे और दोबारा इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को केयर करिए और इसको लगाइए। ये बहुत ही खूबसूरत फूल है। अभी मैं आपको इसका औषधीय फायदा बताने जा रहा हूँ। इसका वनस्पतिक नाम है टेगेटिस एरिका। गेंदा आंखों की बीमारी में भी बहुत फायदेमंद है। गेंदे की फूल की कली को पीस लें और इसे आंखों के बाहर चारों तरफ से लगाएं। इससे आंखों की बीमारी जैसे आंखों के फूलने आदि में लाभ होता है। गेंदे के पत्ते का रस आंखों के बाहर चारों तरफ लगाने से आंखों के रोग में लाभ होता है। नाक से खून बहने पर गेंदा का उपयोग कर सकते हैं। नाक से खून बहने पर गेंदा पौधे के औषधीय गुण का फायदा मिलता है। इसके लिए आप 1 से 2 बूंद गेंदे के पत्ते का रस नाक में डालें, इससे नाक में खून बहना बंद हो जाता है। सांस की नली में सूजन हो तो ये फायदेमंद। सांसों की नली में सूजन होने पर आप गेंदा से लाभ ले सकते हैं। गेंदा के पौधे से बने हुए 15 से 20 मिलीग्राम ठंडे पानी में रात भर इसको आप रख दें और इसका सेवन करेंगे तो श्वसन नली में सूजन से आपको लाभ मिलेगा। कान के दर्द हो तो गेंदे का औषधीय गुण फायदेमंद होता है। 2-2 बूंद गेंदा के पत्ते का रस कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। खांसी के इलाज के लिए गेंदे के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेंदे के फूल के बीजों की घुंडी यानी पुष्प आधार का चूर्ण बना लें और 2 से 5 ग्राम चूर्ण, 10 ग्राम शक्कर और 1 चम्मच दही में मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें। इससे खांसी और सांसों के रोग में लाभ मिलता है। महिलाओं की स्तन सूजन की समस्या में गेंदा का उपयोग कर सकते हैं। गेंदे के पत्तों को पीस करके स्तनों पर लगाएं। इसके साथ ही इसके सिकाई करने से स्तनों की सूजन कम होती है। बवासीर के लिए गेंदा का उपयोग फायदेमंद होता है। इसके लिए 10 ग्राम गेंदे के पत्ते और 2 ग्राम काली मिर्च को एक साथ पीस लें और इसे पीने से बवासीर में लाभ होता है। 5-10 ग्राम गेंदे के फूल को घी में भूनकर दिन में 3 बार लें। इससे भी बवासीर में रक्तस्राव और खून आना बंद हो जाता है। गेंदे के पत्तों का अर्क निकाल करके पिए, इससे बवासीर में बहने वाले रक्त तुरंत बंद हो जाते हैं। आप अर्क निकालने के लिए 250 ग्राम गेंदे के पत्ते और केले की जड़ों को लें। इनको रात भर पानी में भिगो दें और सुबह अर्क निकाल लें। इससे 15 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में सेवन करें। 5 से
10 ग्राम गेंदे के फूल का रस दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से खूनी बवासीर में लाभ मिलता है। सुजाक के उपचार के लिए 10 ग्राम गेंदे के पत्ते और 2 ग्राम काली मिर्च लें, दोनों को एक साथ पीस करके पिएं, इससे सुजाक में लाभ होता है। गेंदे के पंचांग का रस निकाल करके चोट, मोच और सूजन वाले स्थान पर लगाने से आराम मिलता है। पत्ते का रस लगाने से घाव और घाव से होने वाले रक्तस्राव बंद हो जाते हैं। हाथ पैर की त्वचा या एड़ी फट जाती है यानी विवाह हो जाता है तो उससे गेंदा से फायदा मिलता है। गेंदे के पत्तों का रस वैसलीन में मिलाकर हाथ पैरों पर मलें, इससे विवाह और हाथ पैरों की खुश्की दूर हो जाती है। गेंदे के पत्तों को पीस करके फोड़े, फुंसी और घाव पर लगाने से आराम मिलता है। बवासीर के मसों पर भी लगाने से आराम मिलता है। गेंदे के पत्तों को पीस कर गुनगुना करके लेप करें, इससे फोड़े, फुंसी और डायबिटीज की अवस्था में होने वाले फोड़े फुंसियों से लाभ मिलता है। गेंदे के 10 ग्राम पत्तों के रस में मिश्री मिला करके दिन में 3 बार पिए, इससे रुका हुआ पेशाब खुर कर आ जाता है। मूत्र रोग, पेशाब रुकना इत्यादि समस्या में गेंदे के सेवन से लाभ मिलता है। गेंदा के 10 ग्राम पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर के दिन में 3 बार पिए, इससे रुके हुए पेशाब खुल करके आने लगता है। मासिक धर्म में भी फायदेमंद है। 5 से 10 ग्राम गेंदा के फूल को घी में भून करके दिन में 3 बार ले, इससे मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव या बवासीर के दौरान रक्तस्राव की समस्या में फायदा होता है। वरटी यानी ततैया के काटने से गेंदे के फूल से लाभ मिलता है। ततैया ने अगर आपको काट लिया हो, उसके डंक के असर को कम करने के लिए गेंदे का उपयोग लाभ दिलाता है। गेंदे के पत्तों को पीस करके डंक वाले स्थान पर लगाएं, इससे डंक के कारण होने वाला दर्द आदि दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। दांतों के दर्द में गेंदे के सेवन से लाभ होता है। 20 से 30 मिलीग्राम गेंदे के पत्तों के काढ़ा को दिन में 2 बार कुछ दिनों तक सेवन करने से इससे पथरी गलकर निकल जाती है और इस काढ़ा से कुल्ला करने से दांतों के दर्द में तुरंत आराम मिलता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है? आप इसके चूर्ण को 5 से 10 ग्राम ले सकते हैं और यदि आप इसके पत्तों का या फूल का काढ़ा बनाते हैं तो 15 से 20 मिलीग्राम आप ले सकते हैं। हर चीज का फायदा होता है लेकिन उसका कुछ नुकसान भी होता है, तो इसलिए एक सीमित मात्रा तक ही इसका सेवन करना चाहिए। अगर ज्यादा आप सेवन करते हैं तो इससे काम शक्ति भी घटती है, इसलिए ध्यान रखें, सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें, ज्यादा ना लें। तो देखा दोस्तों, गेंदे के कितने चमत्कारिक औषधीय फायदे हैं। हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखने से इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। सिर्फ हम लोग जानते हैं कि गेंदे का फूल देखने में अच्छा लगता है और इसको पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत लाभदायक है। इसके पत्ते का भी उपयोग किया जाता है, इसके फूल का भी उपयोग किया जाता है, इसके तने का भी उपयोग किया जाता है और इसके जड़ का भी औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस फूल को आप अपने घरों में लगाइए, पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होगा और आप इससे स्वास्थ्य लाभ भी उठा सकते हैं। गार्डनिंग से रिलेटेड और फर्टिलाइजर से रिलेटेड, मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड, तरह के प्लांट से रिलेटेड मैं वीडियो अक्सर लाता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल के साथ में बने रहें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। कुछ कहना है तो हमें कमेंट द्वारा बताइए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।